नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल और उड़द दाल की इडली। तो देखिए इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसका बैटर और कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इस कटोरी से मैंने एक कटोरी के करीब उड़द दाल ली थी जो मैंने 8 घंटे पहले भिगा ली थी, और देखिए फूल गई है और इसका पानी मैंने छान के निकाल लिया है। और इसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी के करीब में चावल लिया था, इसको भी मैंने भिगा लिया था और इसका भी मैंने पानी निकाल लिया है। दोनों को अलग अलग भिगाया था और आप इसके लिए मोटा पतला जैसा मर्जी हो वैसा चावल ले सकते हैं। और देखिए अब इन दोनों चीजों को मैं पीस लूंगी और ये इडली बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इस तरह से एक बार इडली जरूर बनाएं। थोड़ी सी मेहनत लगती है पर खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो देखिए पूरी दाल मैं इसमें डालूंगी और इसको अच्छा सा पेस्ट सा बना लूंगी। थोड़ा पेस्ट दरदरा ही होना चाहिए क्योंकि इडली का पेस्ट डोसे से थोड़ा दरदरा होता है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि पीसने में आसानी हो। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और ढक्कन को बंद कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया, ये देखिए इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। और इसको मैं निकाल लूंगी एक अलग बर्तन में। मैंने जो धुली दाल भी बोलते हैं इसको, जो उड़द की दाल मैंने ली थी बिना छिलके वाली, उसको मैंने निकाल लिया। और इसी तरह से मैं चावल को भी पीस लूंगी मिक्सर में। ऐसी इडली साउथ इंडिया में जरूर बनती है और वहां की बहुत ही फेमस डिश है, तो एक बार आप जरूर इसे ट्राई करें। और देखिए यहाँ पे मैंने चावल भी डाल लिया है और इसको भी मैं पीस लूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, आपको अगर पीसते समय पानी कम लगे तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। और इसका भी मैंने ढक्कन लगा लिया है और इसका पेस्ट मैं बना लूंगी। और देखिए यहाँ पे चावल का भी पेस्ट मैंने बना लिया। तो अब मैं दोनों चीजों को अच्छे से एक में डाल के ही मिक्स कर दूंगी। और चूंकि आजकल गर्मियां हैं तो इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नमक डालें और इसको फेंट के रख लें और 3 घंटे में ही ये फूल जाएगा। और जब भी जिस भी, देखिए अब मैंने यहाँ नमक डाल दिया है इसमें, जिस भी बर्तन में आप ये बैटर को रखें तो उसमें थोड़ा सा आप जगह खाली छोड़ें, जैसे मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये फूल जाएगा तो ये ऊपर तक आ जाएगा। अगर बिल्कुल भरा रहेगा बर्तन तो ऊपर आके गिरने का डर होता है, इसलिए मैंने थोड़ी जगह इसमें खाली छोड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ताकि ये फूले तो बर्तन से बाहर ना गिरे। तो अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको ढक के मैं 3 से 4 घंटे रखूंगी। गर्मियों में बहुत जल्दी ये फूल जाता है, ठंडियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है फूलने में, या इसमें कुछ बेकिंग सोडा वगैरह मिलाना पड़ता है, पर मैं कुछ नहीं। और ये देखिए 4 घंटे के बाद ये कैसे फूल के हो चुका है, मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। देखिए जो बर्तन खाली था वो पूरा भर चुका है और इसमें खमीर सा उठ गया है। तो देखिए यहाँ पे फूल गया है ये, और जितना ही अच्छा फूलेगा उसकी इडली इतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैं एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। तो इसको मैं मिक्स करके एक तरफ रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इडली का बर्तन है। आप चाहे तो बिना इडली के सांचे के भी इडली बना सकते हैं, पर हमारा पास बर्तन है तो हम इसको ले रहे हैं और इसलिए ही इडली बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने बर्तन को ले लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, थोड़ा पानी मैं और डाल देती हूँ, यानी कि 1.5 गिलास। बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है, नहीं तो जब भाप बनेगी तो पानी ऊपर को आएगा। और इसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ ढक के, ताकि ये पानी में बॉयल आ जाए और ये उबलने लगे। और तब तक मैं इडली को सांचे में डाल लेती हूँ बैटर को इडली बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, इसको मैं हल्का हल्का से इसमें लगा लूंगी ताकि हमारी इडली इसमें चपक ना जाए। आप तेल नहीं भी लगाएंगे तो इडली नहीं चपकेगी, पर अगर आप तेल लगा लेंगे तो इससे बहुत ही अच्छी इडली बनेगी। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मसाले में डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं एक सांचे में मैंने इडली बनाने के लिए बैटर डाल दिया है, और ऐसे ही करके मैं सारे में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के और बैटर को डालूंगी बनाने के लिए। तो देखिए अब इसमें भी मैं डाल लूंगी। और यहाँ पे देखिए दूसरे में भी मैंने डाल लिया और हमारा पानी भी गर्म होने लगा है।
और यहाँ पे मैंने तीनों सांचों में डाल लिया है और इसको उठा के मैं इस पानी में ढक दूंगी और इसको ढक के 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। और 15 मिनट के बाद मैं एक बार चेक करूंगी कि इडली हुई है कि नहीं। अधिक से अधिक समय इसमें 10 या 15 मिनट तक लगता है, 10-12 मिनट में इडली हमारी बनके तैयार हो जाती है। और ये इडली खाने में बहुत ही मजेदार होती है। ये देखिए मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ और एक नाइफ की सहायता से मैं इसमें थोड़ा सा डाल के देख लूंगी, अगर इसमें लगा नहीं है, बिल्कुल इडली है, तो इडली हो चुकी है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया, अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। और काफी गर्म है ये, तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया और इसको मैंने रख दिया था 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए और ये ठंडा हो चुका है। तो अब मैं एक स्पून की सहायता से किनारों से ऐसे करके इडली को बाहर निकाल ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बाहर निकाल रही हूँ इडली को और कितनी आसानी से सॉफ्ट इडली बनके तैयार है और ये बाहर निकल गई है। तो देखिए इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ और ऐसे ही मैं सारी इडली को निकाल लूंगी और बाकी को भी इसी प्रोसेस से बना लूंगी। तो ये देखिए, और ये इडली सांभर चटनी या किसी भी अचार के साथ आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है ये। एक एक करके मैंने सारी इडली धीरे धीरे निकाल ली है। और आप चाहें तो इडली कभी भी किसी भी समय अपना बैटर तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब मन चाहे तो इडली बना सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कितनी सॉफ्ट इडली बनी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है इडली। और मैं इसे अब सांभर और चटनी के साथ सर्व कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सांभर और चटनी भी बना रखा है, तो मैंने इसके साथ इडली को सर्व कर लिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। बाय।